आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड के कुछ इक्वेशन पढ़ते हैं। और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 28 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहे हैं, भाई जिनमें से हमने आपको टोटल दो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में आपको सोल्व करवाए थे, और अब इस लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं। जिनमें से आपका क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ये है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू ठीक है। आपने जो पद समूह पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पद समूह एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स रूट पावर तब कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर होता है, तब नेगेटिव फैक्टर होता है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तब नेगेटिव फैक्टर होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक होता है आपका 1 अपॉन वाई स्क्वायर और एक होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे से यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, कि भाई आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको कौन सा पद समूह मिलता है, आपको पद समूह मिलता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा काम में लेते हो, एक तो वन अपॉन वाई स्क्वायर और एक वन अपॉन एक्स स्क्वायर काम में लेते हो, तब यहाँ पे इस टर्म के अंदर एक एक्स का फंक्शन आ जाएगा और एक वाई का फंक्शन आ जाएगा। जबकि यहाँ पे समाकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है, समाकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वो किसको चाहिए, ओनली एक्स का ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है ना वो वन अपॉन वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए और ना ही वन अपॉन एक्स वाई होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन x स्क्वायर। समीकरण को समीकरण को 1 अपॉन x स्क्वायर से समीकरण को 1 अपॉन x स्क्वायर को सॉल्व करने पर, ठीक है। समीकरण को या फिर इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 को 1 अपॉन x स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है। देखो क्या आता है, माइनस इनटू x की y माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स बराबर, ठीक है। ये आ गया आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैसे चेंज हो गई, ये चेंज हो गया आपके एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो यथार्थ अवकल आ रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है डी ऑफ y अपॉन x के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये किस फलन के अवकलन, किस फलन के अवकलन के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपके d ऑफ y अपॉन x के, मतलब y अपॉन x के अवकलन के बराबर आ रहा है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x * x की पावर -2 * dx के बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखिए अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, ठीक है, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखो क्या आता है, समाकलन करके इसका क्या आता है, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स बराबर सी, ठीक है। इंटीग्रेशन करने से आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स बराबर सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो कौन सा फंक्शन है, एक तो आपके पास फंक्शन है लॉग फंक्शन और दूसरा आपके पास फंक्शन है एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता है किसी भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेशन करते हो, तो किसके द्वारा करते हैं आप इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम करते हैं यू इंटू वी का, इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो करते हैं यू इंटू वी के फॉर्मूले से, ठीक है। और यू इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है क्या, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है
फर्स्ट फंक्शन का ये किधर को सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करो अवकलन, सेकंड का क्या करो समाकलन, और फिर इसका भी आप कंप्लीट में क्या करो समाकलन करो। ठीक है, कहने का मतलब है दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, सॉरी दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन का समाकलन किसके बराबर होता है, ये होता है फर्स्ट फंक्शन का ये किधर को सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन इनटू सेकंड फंक्शन का समाकलन का कंप्लीट समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन माने और किसको हम सेकंड फंक्शन माने, तो इसका निर्धारण जो करते हैं वो करते हैं आईलेट के द्वारा। ठीक है, आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, इनस्टिमेटिक फंक्शन, फिर उसके पश्चात कौन सा होता है लॉग फंक्शन, फिर और आता है आपके पास एलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है, लॉग फंक्शन है और एलजेब्रिक फंक्शन है। लॉग फंक्शन को मान लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन और एलजेब्रिक को मान लीजिए सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो करिए इसका समाकलन क्या आता है, यह आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एलजेब्रिक रहेगा फर्स्ट फंक्शन है इंटू एक्स की पावर माइनस वन, मतलब वन अपॉन एक्स का क्या करना आपको समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या है वन अपॉन एक्स, सेकंड फंक्शन का समाकलन क्या है, सेकंड फंक्शन का समाकलन है माइनस वन अपॉन एक्स और कंप्लीट का समाकलन बराबर सी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वन अपॉन एक्स इंटू माइनस वन अपॉन एक्स कितना हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी क्या है माइनस है। ठीक है भाई, तो माइनस और माइनस प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर सी, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है ये होता है माइनस का वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर सी। अब क्या कीजिए इस इक्वेशन को आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बराबर सी डैस एक्स, जहाँ पे सी डैस क्या है जहाँ पे सी डैस है माइनस सी के बराबर, तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है y इंटू टू एक्स वाई प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर e की पावर x इंटू डी वाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आपको करना क्या है आगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसके बराबर रखना है जीरो के बराबर रखना है, फिर आपको सभी टर्म्स को अलग अलग करना है, उसके पश्चात आपको क्या बनाना है पेयर बनाने पद समूह बनाने हैं, और पद समूह के आधार पर आपको क्या करना है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जीरो के बराबर लिखिए, तो क्या हो जाएगा वाई इंटू टू एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बराबर जीरो। ठीक है, तो ये आर जीरो के बराबर हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको प्रत्येक टर्म को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पहली टर्म आ जाएगी आपकी टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए की पावर एक्स इंटू डी वाई बराबर जी। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो पद समूह आ रहा है, यहाँ पे जो आपके पास पद समूह आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास क्या, ये आ रहा है e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस e की पावर x इंटू डी वाई। कहने का मतलब है इसको तो छोड़ देंगे, तो टोटली किसका फंक्शन हो जाएगा x का, इसको छोड़ दीजिए आपके पास पद समूह मिलेगा टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ए की पावर एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ये आपके पास इसका पद समूह बचेगा, सो यू की
मिस्टेक हो गई ये रहा, ठीक है। आपके पास जो अब नेक्स्ट परसम आ रहा है क्या आ रहा है, वो आ रहा है ए की पावर एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस ए की पावर एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। ये पद समूह आ रहा है, अब आपको बताया इस पद समूह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इस वाले पद समूह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/y², ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1/y², तो आप क्या कीजिए इस समीकरण एक को आप 1/y² से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। समीकरण एक को 1/y² से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y² से 1/y² से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2x dx प्लस y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन y का बराबर जीरो, ठीक है। और आपको पता है कि ये किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये तो बराबर है आपके x स्क्वायर के अवकलन के बराबर, और ये किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये बराबर है आपके e की पावर x अपॉन y के अवकलन के बराबर, ठीक है। ये जो यथार्थ अवकलन है या यथार्थ अवकलन गुणांक है ये किसके बराबर, किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये बराबर है e की पावर x अपॉन y के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। अब करना क्या है आपको, अब आपको इस समीकरण का समाकलन करना है, ठीक है। तो क्या कीजिए अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई बराबर सी, ठीक है। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, सोल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस e की पावर x बराबर सी वाई, ठीक है। तो ये इस अवकल समीकरण का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसके पश्चात देखिए आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया गया है आपको y प्लस एक्स क्यू इंटू वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। वाई प्लस एक्स क्यू वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे शुरू करना है, इसको भी अभी आपको इस प्रकार से शुरू करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करने में क्या आ रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पेयर बनाने हैं, डेट मीन यहाँ पे पद समूह बनाने हैं। तो यहाँ पे पद समूह कौन कौन सा है, एक तो आपके टर्म में वाई डी एक्स और एक आपकी एक्स डी वाई, तो इन दोनों के हेल्प से आप क्या बना सकते हैं पद समूह एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स पद समूह बना सकते हैं, ठीक है। बनाइए क्या आएगा एक्स डी वाई प्लस y dx प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। आपको पता है इस वाले पद समूह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इस वाले पद समूह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/xy की होल पावर n, जहाँ पे n का मान कितना होता है, n का मान 1 के बराबर नहीं होता, बाकी सब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि इस वाले टर्म के अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब, अगर आप इस अवकल समीकरण को एक्स क्यूब वाई क्यूब से भाग दे देते हो तो आपको ये किस रूप में मिल सकता है, एक्जेक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में मिल सकता है, ठीक है। देखिए इस समीकरण को आप क्या कीजिए, समीकरण एक को एक्स क्यूब वाई क्यूब से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण एक को एक्स क्यूब वाई क्यूब से भाग देने पर, ठीक है। तो देखो क्या आया, यह आया एक्स डी वाई प्लस y dx upon x cube y cube plus dx बराबर जीरो, ठीक है। अब उसके पश्चात
आपको पता है यहाँ पे ये जो टर्म आ रही है, यहाँ पे ये जो टर्म आ रही है x2 y के कंपोनेंट x2 y को, ये क्या है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है d ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 x2 y पर, ठीक है, ये किसके बराबर है, कि d ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 x2 y पर, ठीक है। और ये ऑलवेज वैसे क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो आप इसको एडिटिव लिख दीजिए। अब देखो करना क्या है आपको, इस अवकल समीकरण का आपको समाकलन करना है, ठीक है, अवकल समीकरण का समाकलन करना। तो देखिए समाकलन करने पे क्या आएगा, समाकलन करने पे आएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर सी, ठीक है। तो ये इस अवकल समीकरण क्या होगा, ये इस अवकल समीकरण का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू dx प्लस y क्यूब प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए इसको भी सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपलीफिकेशन कीजिए, सिंपलीफिकेशन करने के लिए क्या आ रहा है, x क्यूब dx प्लस x वाई स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यू डी वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। अब उसके पश्चात करना क्या आपको, अब आपको यहाँ पे पेयर बनाने हैं, ठीक है, उसके पश्चात आपको करना क्या है, अब आपको पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाइए सबसे पहले, जो कि आता है पेयर बनाने का, देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि एक तो ये टर्म हो गई, ठीक है, और एक आपकी कौन सी हो गई, एक आपकी हो गई ये वाली, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर, यानी मतलब एक ये टर्म और एक ये वाले टर्म, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। फिर उसके पश्चात आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई। फिर बची कौन सी टर्म शेष, एक तो ये टर्म बची और एक ये टर्म बची, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है। इधर भी क्या कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या शेष बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और इधर क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो इधर क्या शेष बचेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। अब आप देखते हैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई कॉमन आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आप लोगों को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो आपका ये जो टर्म है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई की जो टर्म है, या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जो टर्म है, इसका इंडिकेटिव फैक्टर क्या होता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जो टर्म है, इसका इंडिकेटिव फैक्टर क्या होता है, इसका इंडिकेटिव फैक्टर होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन वाई स्क्वायर वन अपॉन एक्स वाई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और भी दो इसके इंडिकेटिव फैक्टर और होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पद समूह कौन सा होता है, पद समूह होता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, जबकि यहाँ पे कौन सा है y dx माइनस
एक्स डी वाई। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से आप माइनस कॉमन लो और इसको बनाओ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के रूप में, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप यहाँ से आप क्या कीजिए, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कीजिए, वन प्लस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कहने का मतलब है इसका जब आप निकाल दो उस वाले के टर्म्स का, कौन सा होता है वन अपॉइंट स्क्वायर वन अपॉइंट वाई स्क्वायर वन अपॉइंट एक्स वाई और वन अपॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके साथ ही इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो क्या कीजिए आप, समीकरण नंबर एक को, समीकरण एक को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण एक को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलता है आपको शेष, ये मिलता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। ये किस फॉर्म के अवकलन के बराबर है, एक्स डी एक्स ये बराबर है आपका एक्स स्क्वायर बाई टू के अवकलन के बराबर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके वाई स्क्वायर अपॉन टू के बराबर, और ये किस फॉर्म के अवकलन के बराबर है, ये बराबर है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के अवकलन के बराबर, ठीक है। अब करना क्या है, आपने लिख दिया इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में, अब क्या करो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कीजिए और जो आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा वही क्या कहलाएगा, इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो देखिए समीकरण या अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर क्या है, समाकलन करने पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बराबर सी, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको टोटल 17 में से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए 6 ऐसा, बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना, ये इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस फिर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आप इसको किस फॉर्म में बनाइए, ये है एम डी एक्स सॉरी ये है एम प्लस एम डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको बनाइए एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर जीरो के डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसे बनेंगे, आप डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर जी, ठीक है। अब देखिए आप देखते हैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है एक्स, अगर मैं इन दोनों टर्म से एक्स कॉमन ले लूँ तो मुझे कौन सा पद समूह मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स रूट का पद समूह मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कौन सा पद समूह मिलेगा, एक्स डी एक्स सॉरी मुझे मिलेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो आप सबसे पहले यहाँ से एक्स कॉमन लो, क्या आ रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए ये वाला पद समूह है, इस पद समूह का जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानना चाहते तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कौन सा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए समीकरण एक को, समीकरण एक को वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है,
गुणा करने पर, या फिर आप ये कह दो कि आप इस समीकरण को वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या आता है, ये आता है आपके पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पे ये एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर, और ये किसके बराबर है, डी ऑफ लॉग एक्स के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, डी ऑफ लॉग एक्स के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसको आप देखो, इसको लिख सकते हो डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस डी ऑफ लॉग एक्स बराबर जीरो। अब आप क्या कर लो, अवकल समीकरण का समाकलन कर लो, ठीक है। तो अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर क्या आ रहा है, समाकलन करने पर साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स बराबर सी, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, साथ के साथ आपके एक्सरसाइज फर्स्ट बैच यहीं पे कंप्लीट होती हुई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट आई कराएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट आई कराएंगे, जो भी क्या है जिसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नॉन एक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको एक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।